माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के हॉल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो से कुछ कुर्तीज, कुर्ता सेट। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इनमें से कोई भी आउटफिट परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के कोड्स मिल जाएंगे विथ प्राइस। साथ ही साथ अगर आपने मीशो पे अभी तक साइन अप नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से ही साइन अप करें। उससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 30% से लेकर 100 रुपीज तक का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का। सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये है एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चिकनकारी कुर्ता और बहुत ही खूबसूरत कुर्ता है जॉर्जेट के फैब्रिक में। तो ये ब्लू कलर का कुर्ता आएगा। तो ये जो कुर्ता है ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। इसमें आप देख सकते हो काफी खूबसूरत यहाँ पे वर्क करा हुआ है। इसमें जो साइज मैंने पिक करा है वो मैंने लिया है 42, यानी मतलब इसका मतलब है एक्सेल साइज। तो 42 का मतलब है एक्सेल साइज। तो 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिलेगी, 3/4 से थोड़ी लॉन्ग स्लीव्स है। तो इसमें आप देख सकते हो काफी सुंदर सा आपको वर्क मिलेगा स्लीव्स में भी, एंड पूरी कुर्ते पे आपको वर्क मिलता है। रॉयल ब्लू कलर है ये, बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने पर। बैक साइड में भी आपको हल्का फुल्का यहाँ पे वर्क मिल जाएगा, आप देख सकते हो कुर्ती में। तो इसके साथ में जो है इनर आपको मिलता है। अगर आप ये वाला इनर नहीं पहनना चाहते, आप कोई भी जो आपके पास में स्पेगेटी टॉप वगैरह है वो आप पहन सकते हो, और साथ में तो इसके इनर मिल ही रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का ये कॉटन का इनर रहेगा, नेवी ब्लू कलर का। अगर आप स्पेगेटी टॉप में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप वो पहन सकते हो, या फिर आप ये भी पहन सकते हो। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। बट वेयर करने से पहले एक बार आप मेक श्योर करना कि आप इसको धो लो, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा करप रहता है, क्योंकि ये कॉटन का है तो करप रहता है तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। तो अगर एक बार वॉश हो जाएगा तो इसका जो सारा करप है वो निकल जाएगा, और उसके बाद में जो फैब्रिक है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब आप पहनोगे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैंने पिक करा है वो मैंने लिया था एक ट्राउजर। इस कुर्ते के साथ में पहनने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो मैंने सोचा एक व्हाइट कलर का ट्राउजर क्यों नहीं लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने ये कॉटन का ट्राउजर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा ही खूबसूरत सा ये ट्राउजर है। तो इसको मैंने एक्सेल साइज के अंदर लिया है, और मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं करा है तो पता नहीं ये मुझे फिट होगा नहीं होगा। फैब्रिक तो स्ट्रेचेबल है, आप देख सकते हो। अगर ये मुझे फिट होता होगा तो आप मुझे आप जो है ट्रायल में इस ट्राउजर को जरूर देखोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो फैब्रिक तो काफी स्ट्रेचेबल है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे में यहाँ पे क्रोशिया का काम किया हुआ है, यहाँ पे फ्रिल लगाई गई है। काफी खूबसूरत सा ये ट्राउजर है, कॉटन में है बट इसका जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा थिन नहीं है। क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कहते थे कि कॉटन का जो ट्राउजर होता है या फिर रेयॉन के जो ट्राउजर होते हैं बहुत ज्यादा थिन होते हैं, फैब्रिक उनका काफी ज्यादा थिन होता है व्हाइट में अगर आप परचेज करो खास करके। बट ये व्हाइट कलर का है, बिल्कुल भी थिन नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको पॉकेट भी मिलता है, आई थिंक दोनों साइड में पॉकेट है। तो काफी अच्छा मुझे लगा ये वाला ट्राउजर। साइज मैंने जो लिया है अपने लिए वो मैंने एक्सेल साइज पिक करा है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में कुर्ती शेयर करने वाली हूँ ये एक अनारकली कुर्ती है। तो जैकेट काइंड ऑफ कुर्ती है, मतलब ऊपर जैकेट रहेगा एंड पूरी कुर्ती रहेगी। तो यहाँ पे जो जैकेट है वो अटैच रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट का जैकेट आपको मिलेगा, जिसमें गोल्डन वर्क भी करा हुआ है, और पूरी कुर्ती में हल्का सा साइड गोल्डन वर्क करा हुआ है। तो यहाँ पे जैकेट बड़ा खूबसूरत सा है, पूरा ये क्रिस्प क्रॉस का यहाँ पे डोरी का डिटेलिंग किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, काफी खूबसूरत लगता है। इस टाइप के जैकेट्स रहते हैं ना, 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा। अनारकली पैटर्न का ये कुर्ता आएगा, फ्लोर लेंथ कुर्ता है, मतलब काफी अच्छा खासा लेंथ है इसका, लॉन्ग कुर्ता आएगा फ्लोर लेंथ। तो अगर आपको कोई अच्छा सा फ्लोर लेंथ कुर्ता चाहिए कोई पार्टी वेयर काइंड ऑफ, तो जरूर आप इसको ट्राई करें। इसमें पूरी कुर्ते पे आपको जो है ये गोल्डन गोल्डन जो है काम मिल जाएंगे, जो कि जो है ये जो है फैब्रिक में करे हुए, ये कोई फॉइल प्रिंट नहीं है, ये फैब्रिक के अंदर में जो गोल्डन धागे होते हैं ना उसका करा हुआ काम है। तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और पूरे पे आपको प्रिंट मिलता है फ्रंट एंड बैक साइड, काफी सुंदर प्रिंट है, कलर भी काफी वाइब्रेंट है, क्वालिटी काफी अच्छी है, रेयॉन के मटेरियल में है और बहुत ज्यादा सुंदर लगता है पहनने पर, बहुत सही है ये। इसमें जो साइज मैंने पिक करा है वो मैंने लिया है एक्सेल साइज। अगर आप इसको परचेज करते हो तो आप किसी भी रेड कलर की लेगिंग्स के साथ इसको पहन सकते हो, क्योंकि ये फ्लोर लेंथ है बट लेगिंग्स आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये रेयॉन के मटेरियल का है तो थोड़ा सा ये फैब्रिक जो रहता है इसका थिन रहता है। तो अगर आप लेगिंग्स डालोगे तो उसके बाद में जो आप मतलब पहनने के बाद में जो लुक है वो काफी अच्छा आएगा। तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो, क्वालिटी काफी अच्छी रिसीव हुई है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये है कॉटन का मरून कलर का कुर्ता सेट, और ये कॉटन में आएगा, ये भी बड़ा खूबसूरत है, प्रिंट में आएगा। तो 30 त्योहारों के लिए चाहो तो आप इसे परचेज कर सकते हो, छोटे मोटे गेट टुगेदर्स पार्टी में भी आप इसको पहन सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये काफी सुंदर सा गोटा का बॉर्डर मिल जाएगा,
यहाँ पे नेकलाइन पे भी गोटा का वर्क करा हुआ है, बटन्स की डिटेलिंग है और पूरे पे आपको प्रिंट मिलता है, काफी खूबसूरत प्रिंट है। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिलेगा, स्ट्रेट कुर्ता आएगा। इसका जो नीचे का जो बॉर्डर रहेगा उसमें आप देख सकते हो अगेन गोटा का वर्क करा हुआ है, काफी सुंदर सा वाइब्रेंट कलर है और कपड़ा काफी अच्छा है। आप इसको घर पे इजीली आराम से वॉश कर सकते हो, बट धोने से पहले आप इसको पहले सेपरेटली वॉश कर लेना क्योंकि डार्क कलर है तो कलर जा सकता है। तो अगर आप अलग से वॉश कर लोगे तो उसके बाद में आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि इसको साथ में सबके धोना है या फिर अलग करके धोना है। तो यहाँ पे इसके साथ में आपको मिलेगा इसका प्लाजो जो कि और भी सुंदर है और फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, कॉटन में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेयर काफी अच्छा है, पूरा में प्रिंट आपको मिल जाएगा और इसमें भी आपको नीचे में ये गोटा का वर्क किया हुआ मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का गोटा वर्क आपको मिलेगा, कॉटन में है। इसको भी आप आराम से मतलब पूरे सेट को आराम से धो सकते हो, पहन सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो प्राइस आप पे करते हो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ट्रांसपेरेंट वगैरह का तो कोई इशू है ही नहीं। नेक्स्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये भी एक कुर्ता सेट है, कुर्ता ट्राउजर का सेट है आई गेस। तो यहाँ पे ये है पिंक कलर में हमारी कुर्ती जो कि प्रिंट में आएगी, तो ये भी एक स्ट्रेट कुर्ती रहेगी, रेयॉन के मटेरियल की कुर्ती है। तो इसमें आप देखोगे आपको हल्का हल्का जो है मिरर का वर्क मिलेगा बस्ट एरिया में ओनली, एंड उसके बाद जो नीचे का पोर्शन रहेगा वो पूरा प्रिंट में आएगा। यहाँ पे आपको नेक पे हल्का सा ये डोरी का डिटेलिंग मिलता है कुछ इस टाइप का, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिल जाएगा। स्ट्रेट कुर्ती रहेगी, पूरी प्रिंट में आएगी, क्वालिटी काफी अच्छी है, रेयॉन में है। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आपको बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक पहनना पसंद नहीं है तो आप कोई भी स्पेगेटी टॉप वगैरह डाल सकते हो। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव मिलेगा, पूरा कुर्ता में जो प्रिंट है वो पूरा सेम रहेगा फ्रंट और बैक साइड। देन इसका जो लोअर आएगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, ट्राउजर आएगा, लूज फिट रहता है, पूरा प्रिंट में रहेगा। ट्राउजर कम आप उसको प्लाजो भी बोल सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो फ्लेयर काफी अच्छा है, प्लाजो के जैसा ये स्ट्रेट कट में आएगा ये, तो ये काफी अच्छा प्लाजो है। पूरे में आप देख सकते हो प्रिंट आपको मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत सही है इसकी। और यहाँ पे आपको मिलता है इलास्टिक जो कि काफी अच्छा है। अगेन ये जो है ट्राउजर इसका जो है कॉटन ब्लेंड में है बट जो कुर्ती है वो प्योर रेयॉन में रहेगी। देन जो नेक्स्ट मैंने कुर्ता सेट लिया है ये है आई थिंक फुल कुर्ता सेट है, तो ये भी हमारा प्रिंट में आएगा, कॉटन एंड रेयॉन ब्लेंड फैब्रिक का ये कुर्ता है और काफी डार्क कलर में रहेगा ये। तो ये कुछ इस टाइप का अनारकली कुर्ता आएगा जिसमें आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पूरा प्रिंट रहेगा, बॉर्डर पे गोटा का काम किया हुआ है। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव मिलेगा जिसमें भी गोल्डन टोन में जो है गोटा वर्क हो रखा है एंड पूरी कुर्ती पे आपको प्रिंट मिलेगा। बहुत ही वाइब्रेंट सा ब्राइट सा कलर है, अनारकली इसका पैटर्न है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। एक्चुअली ये दिखने में इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगा मुझे बट पहनने के बाद में लुक जो है इसका काफी अच्छा आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे गोटा का वर्क करा हुआ है काफी खूबसूरत सा, और ये जो गोटा वर्क है ये आपको फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड के बॉर्डर में मिल जाएगा। तो क्वालिटी काफी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप इसको भी घर पे वॉश कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम जब आप वॉश करो तो सेपरेटली वॉश करना ताकि अगर कलर वलर जाए तो आपके बाकी कपड़े खराब नहीं हो। नेक्स्ट इसके साथ में जो ट्राउजर आया है वो कुछ इस टाइप का सिंपल सोबर सा ट्राउजर रहेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसा प्रिंट कुर्ती में है बिल्कुल वैसा ही प्रिंट आपको ट्राउजर पे मिल जाएगा। क्वालिटी अच्छी है, फिटिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे इसके दुपट्टे के बारे में, तो इसका जो दुपट्टा रहेगा वो कॉटन का रहेगा एंड इसका जो दुपट्टा है थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का दुपट्टा रहेगा, दुपट्टा का जो प्रिंट है काफी ज्यादा उभर के नहीं आ रहा है जैसे कुर्ती का और ट्राउजर का आ रहा है। दुपट्टा जो है थोड़ा शॉर्ट है, मतलब 2 मीटर का नहीं है पूरा दुपट्टा, शॉर्ट है। तो इसकी क्वालिटी मैं कहूंगी ओके काइंड ऑफ है दुपट्टे की क्वालिटी। बिना दुपट्टे के मुझे कुर्ता ट्राउजर काफी पसंद आ रहा है बट दुपट्टे के साथ दुपट्टा शॉर्ट है तो इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा, क्वालिटी भी ओके है। तो अगर आप लेना चाहते हो पसंद आ रहा है तो ही आप इसको परचेज करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।